हम लोगों को सॉफ्टवेयर का काम करना है जी, तो सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजों का आप लोगों का क्वेश्चन है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे, जैसे कि ये फोन हमारे पास आ गया, लॉक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो इसमें हम अनलॉक तभी कर पाएंगे जब कुछ चीजों को आपको जानकारी होगा। तो क्या क्या चीज का जानकारी रखना है वो देख लो। सबसे नंबर वन में आपको जानकारी रखना है कि ये कौन सा कंपनी का फोन है, पहला चीज। तो कंपनी कैसे जानकारी रखेंगे, तो पीछे रेडमी ओप्पो लिखल रहता है, और आप मिस्त्री बन रहे हो तो धीरे धीरे जानकारी हो ही जाएगा देखते देखते, ठीक है। तो कौन सा कंपनी का ये जानकारी रखना है। दूसरा चीज जानकारी रखना है ये कौन सा मॉडल का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये। मॉडल नहीं जानोगे और जैसे तैसे यदि करोगे ना तो आपका फोन डेड भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसका मॉडल कैसे जानोगे, जैसे कि एग्जांपल, यदि हमारे पास ये लॉक तोड़ाने के लिए आया, ये चलाक लड़का पढ़ा लिखल है, क्या है, इसको बोलेंगे कौन मॉडल है, पट के बोल देगा ये मॉडल मेरा है, तो एक इससे पूछ करके हम पता कर लेंगे, ठीक है। लॉक लगा तो सेटिंग में जाके तो देख नहीं पाएंगे। दूसरा चीज, ये दुकान वाला है, तो ये दुकान वाला इतना दिन से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है कि एक्सपर्ट हो गया, फोनवा देखते बोल देता मॉडल नंबर, तो उससे भी वो पता कर लेगा। एक होता अनुभव से पता कर लेना, एक होता सामने वाले कस्टमर से पूछ करके पता कर लेना। ये कस्टमर आएगा बोलेंगे कौन मॉडल है, बोलता है इतने हमको मालूम नहीं, फोन चलाने से मतलब रखते हैं, मॉडल नंबर वगैरह पता नहीं है, क्योंकि आपके पास कस्टमर एक टाइप का आएगा, क्या बहुत टाइप का आएगा, तो कुछ लोग एक्सपर्ट रहेगा वो तुरंत बताएगा, कुछ लोग कुछ भी नहीं करेगा वो दुकाने वाला एक्सपर्ट है तो उससे वो पता कर लेता है, और कुछ लोग नहीं बता पाएगा तो आपको अपना तरीका यूज करना होगा। तो यदि आपको देख करके पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे फोनों में स्टिकर पीछे चिपका रहता है, तो उसमें मॉडल नंबर लिखा रहता है, अब ये फोन हो गया पुराना, स्टिकर को फाड़ के फेंक दिया तो फिर वो खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या करोगे, गूगल लेंस होता है फोन में, गूगल लेंस होता है ना जी, तो यदि हम किसी फोन का पीछे गूगल लेंस करते हैं ना, तो इस फोन से मिलता जुलता चीज मेरे सामने आ जाता है। तो वहां ये जरूरी नहीं कि जो आप सर्च किए वही आ जाएगा, कुछ अलग भी आ सकता है, हम समझे, तो वही मॉडल नहीं समझ लेना है, देखना है कि इससे मिलता जुलता आया, मॉडल नंबर क्या लिखा है, आगे पीछे का कैमरा उमरा ये फोन से मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। गूगल लेंस से बहुत लोग हेल्प लेता है और वहां से आपका हेल्प मिल जाएगा, बात समझे कि नहीं। अगला ऑप्शन, वहां से भी थोड़ा सा आप आगे बढ़ना चाहोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बैटरी खोलना पड़ेगा, बैटरी तक पहुंचना पड़ेगा, बैटरी के ऊपर भी मॉडल नंबर लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है BN62, क्या लिखा है BN62, जैसे कि यहाँ पे मेरा पास बैटरी लगा हुआ बैटरी है, उसमें लिखा है BN34, क्या लिखा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और कर देंगे सर्च BN34, ठीक है जी, और कर देंगे इस पे सर्च। जैसे हम किए तो यहाँ क्या लिखा, लिखा मतलब ये बैटरी जो फोन में लगा होगा वो 5A फोन होगा, तो हम लोग इतने तरीके से मॉडल नंबर तक पहुंच जाएंगे, बात समझे कि नहीं। तो मॉडल नंबर खोज लोगे, ढूंढ लोगे, जब आप मॉडल नंबर ढूंढ लोगे तब फिर जरूरत पड़ेगा ये फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करना है, क्या करना है, और लैपटॉप से कनेक्ट करते समय आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा इसमें कौन CPU लगा हुआ है, क्योंकि हम आप लोग को डाउनलोड कराए सैमसंग USB ड्राइवर, क्वालकॉम USB ड्राइवर, मीडियाटेक USB ड्राइवर, एस्प्लेडम USB ड्राइवर करवाएं कि नहीं करवाएं, कैसे करना इंस्टॉल डाउनलोड करना बता दिए। अब ये फोन में जो CPU लगा होगा वही USB ड्राइवर ये सपोर्ट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। तो फिर यदि इसमें मीडियाटेक लगा है या इसमें क्वालकॉम लगा है, अभी जो आपके पॉकेट में फोन है या आपके पास कस्टमर लेकर के आने वाला है वो सबसे ज्यादा फोन लाएगा मीडियाटेक और क्वालकॉम, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा चलने वाला CPU वो दो है। उसके बाद सैमसंग का फोन लेकर के आएगा तो सैमसंग कंपनी में सैमसंग का अपना CPU लगा रहता है। अब ये सभी फोन में सैमसंग का ही CPU लगा रहे ये जरूरी सैमसंग कंपनी अपना कंपनी का भी CPU को यूज करता है, और चाइनीज मीडियाटेक चाइनीज कंपनी उसको भी यूज करता है, क्वालकॉम को भी वो यूज करता है। तो कोई भी फोन आएगा तो आपको अगर मॉडल नंबर पता होने के बाद अगला पता होना चाहिए CPU इसके अंदर कौन लगा हुआ है,
बात तो समझे क्या नहीं, बोलिए कुछ बोल रहे क्या सर? अगर मॉडल नंबर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हाँ। कौन सी स्किल लगा तो वो तो बता सकता है गूगल, सब बता देगा। हाँ देखो चलते हैं चेक करते हैं हम लोग, सीपीयू का नाम लिखवाए सर, वो हम लिखवाए सीपीयू का नाम है एमटी के, मतलब मीडिया टेक होता है ना, तो सीपीयू है क्वालकॉम सीपीयू है ना, एसपीडी भी सीपीयू है ना, सैमसंग भी सीपीयू है सैमसंग कंपनी का, ठीक है जी, सीपीयू का नाम है। अब यहाँ पर देखो कि यदि हमारे पास चलो रेडमी 5 ये फोन आ गया या ये फोन आ गया या एक्स वाई जेड कोई भी आपके पास फोन है उससे मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे अब सीपीयू को जानने के लिए, तो सीपीयू पास खोल करके तो जाएंगे नहीं, सॉफ्टवेयर का काम करना है, तो आप क्या करोगे गूगल से हेल्प लोगे और गूगल में इसका लगभग सही बताता है। दूसरे चीज आप कोई फोन खरीदते हो तो उसका डिटेल देखते हो ना, एकरे अंदर कौन सीपीयू लगल है, आप प्रचार भी देखते हो टीवी में दिखाता है कौन प्रोसेसर बताता है ना जी, तो वो चीज सीपीयू वो गूगल से देखोगे। यहां पर जाएंगे और यहां पर हम सर्च करेंगे भाई साहब को MI5A CPU टाइप, क्या सर्च करेंगे जी, जैसे कर देंगे ऐसे वैसे इसके अंदर कौन सीपीयू लगा है। तो यदि रेडमी 5A का फोन मेरे पास रहेगा तो कौन ड्राइवर यूज होगा, क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर का इस्तेमाल होगा। ये तो ड्राइवर हो गया, अब टूल कौन इस्तेमाल होगा भाई साहब, टूल्स, ये तो ड्राइवर हो गया, जो टूल हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे देखो क्यू से क्वालकॉम भाई साहब कहने हैं, क्यू से मतलब क्यूसी फायर जो सॉफ्टवेयर रहेगा ना उससे हम क्वालकॉम सीपीयू वाले फोन को फ्लैश करेंगे और अनलॉक करेंगे, फ्लैशिंग करने का भी काम कर सकते हैं और अनलॉकिंग भी करने का काम कर सकते हैं, ठीक है जी। दो एप्लीकेशन से हो जाएगा क्लियर, नहीं अभी और चीजें धीरे धीरे, अभी यहां तक समझ में आया कि नहीं। चलो अब ये वीडियो को यहीं पे ये पार्ट को बंद करेंगे जी।